अब घर की व्यवस्थाओं को तीन रूप से बांट सकते हैं। सबसे पहले एक घर का स्वरूप कैसा हो, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, कि घर का निर्माण कैसा हो, नंबर वन के घर कैसा हो। नंबर टू, घर की तरंगें कैसी होनी चाहिए। नंबर थ्री, उसमें हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए। अगर तीन प्रकार से बांटते हैं और तीनों अगर सही मायने में जम जाए तो वो घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुखमय हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग मात्र आमोद और प्रमोद का स्थान है। अगर घर पवित्रमय हो जाए, धर्ममय हो जाए, तो घर ही मुक्ति मार्ग का प्रथम मंजिल बन सकता है। तो ऐसे पवित्रमय घर सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे हो सकता है, यानी ये घर, अभी आप में कई लोग और भी नया घर ले सकते हैं, नई घर बना सकते हैं, या है जो घर को अल्टर करा सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घर सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ घर वो होता है जिसकी चारों तरफ गलियां जाती हो, पूर्व में भी गली हो, पश्चिम में भी दरवाजा हो, उत्तर में भी दरवाजा हो, दक्षिण में भी दरवाजा हो। बहुत ही कम, 1 लाख में शायद कोई एक घर का चार तरफ रोड हो, बीच में घर हो, असंभव दिखता है। लेकिन शास्त्रों में इस घर को परम सुखदायी बताया है जिसकी चार गलियां हो, चारों तरफ गली। वैसा संभव नहीं है, लेकिन आप नया घर लेना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम श्रेष्ठ घर वो है जिसका दरवाजा उत्तर मुखी या पूर्व मुखी हो, ये सर्वश्रेष्ठ घर है। हम घर के निर्माण व्यवस्था के बारे में अभी बात कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ घर वो है जो उत्तर मुखी उसका दरवाजा हो या पूर्व मुखी जिसका दरवाजा हो, ये सर्वश्रेष्ठ घर है। अगर कोई कभी घर खरीदना हो तो आप अच्छी तरह इस व्यवस्था पर ध्यान दे सकते हैं कि आपका घर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग में तो है कम से कम। ये स्वयं वास्तु को शुद्ध बना देता है, चाहे अंदर कितना भी दोष हो, क्योंकि ये पूरा 5.5-6 फुट के शरीर के लिए सिर ही प्रधान है। वैसे ये घर के लिए उसका मुख्य द्वार ही प्रधान है। जब अगर द्वार सही मायने में जमा हो तो वो पूरा घर दोष रहित बनता है। अब ये घर में ज्यादातर, जहां तक मेरी साधना का बल कहता है या वास्तु शास्त्र के अनुरूप भी देखें, कि जिन व्यक्तियों को धीरे धीरे बीपी, शुगर या हार्ट अटैक जैसे कोई भी मोटी बीमारियां आने की संभावनाएं रहती है, आती रहती है, तो समझना कि ज्यादातर वो लोग अपने घर के ईशान कोण में अपना शयन कक्ष बनाए हुए हैं। जहां तक मैंने देखा है कि किसी को नॉन स्टॉप बीपी का अनकंट्रोल्ड डिसीज है या शुगर या हार्ट प्रॉब्लम है, तो ये ज्यादातर ईशान कोण में अपने कक्ष को बनाए रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ ये है कि अगर आपको आरोग्यमय जीना है, आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी हों, यानी आपके बच्चे आपकी आज्ञा को सुनने वाले हों, पूर्ण रूप से आप पर श्रद्धा रखने वाले हों, और आपकी हर बात की घर में मान्यता होनी हो, तो जरूर आपका कमरा नैऋत्य कोने में, यानी साउथ और वेस्ट का संगम जहाँ होता है, दक्षिण पश्चिम का युक्ति, उस जगह जिस कमरे में अगर आप दक्षिण में सिर रख के सोते हैं, आपका सिर दक्षिण में हो, ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि घर में आप सोते समय दक्षिण में सिर रख के सोया करें। जिन जिन के सिर दक्षिण में होता है, मैग्नेटिक पोल नॉर्थ की ओर सभी वस्तुओं को खींचने के कारण, अन्य किसी जगह भी सिर रखो, भले ही ईस्ट में रखो, वेस्ट में रखो, आधा भाग सिर का मैग्नेटिक पोल के कारण, खिंचाव के तनाव में आने के कारण धीरे धीरे असक्त बनता जाता है। और नॉर्थ में जिसका सिर हो, उत्तर में, तो 10 साल के अंदर जरूर आधा पागल तो हो ही जाता है। एक काफी ध्यान रखने जैसी बात है कि कभी उत्तर में सिर रख के मत सोइएगा। अगर ऐसे सोते हैं तो धीरे धीरे समझना कि आपकी चिंतन शक्ति से आप दूर होते जाते हैं, क्षमता सोचने की, आगे बढ़ने की, विचारशीलता की क्षमता धीरे धीरे कम पड़ती जाती है और आप धीरे धीरे मंद होते जाते हैं। अगर आपका सिर उत्तर में है तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपका सिर बिल्कुल दक्षिण में हो, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से विपरीत दिशा में होने के कारण आप पुष्ट, तुष्ट और संतुष्ट जीवन जीते हैं। ये
घर में जीने वालों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आपका सिर दक्षिण में हो। ये कोई साधारण बात मत समझिएगा। खाली मेरे कहने से सिर्फ दक्षिण में सिर रखने के बाद बड़े से बड़े व्यापारी बने हुए, बड़े से बड़े सफल व्यक्ति बने हुए हजारों लाखों लोग हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। सुनने में छोटा लगता है लेकिन ऐसा ही है कि बहुत बड़े अन्न के अंदर थोड़ी सी मात्रा में नमक जिस प्रकार से प्राण ले आता है, उस प्रकार से ये छोटी सी दक्षिण में सिर रख के सोने की विधि सभी कार्यों को स्वयं सिद्ध करता है। कोई सफल व्यापारी बनना चाहते हो उनको भी सिर तो दक्षिण की तरफ ही जीवन में रखना चाहिए। ये बहुत ही खास बात है।